दुनिया भर के सबसे खतरनाक जानवरों में चीते को भी शुमार किया जाता है। इसके पास जाने का मतलब है मौत। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन खतरनाक जानवरों का खौफ नहीं सताता। ऐसे ही एक शख्स कैमरामैन किम वॉल्टर हैं, जो बीबीसी के एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री के दौरान चीता फैमिली का हिस्सा बन गए थे। कैमरामैन किम पिछले 2 सालों से जिम्बाब्वे के मालिलांगवे गेम रिजर्व में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक मादा चीता को फॉलो किया। अपने डॉक्यूमेंट्री में वे चीता के जीवन चक्र को कैप्चर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान उसके 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें 2 को शेर ने मार दिया, जबकि 1 की बीमारी के कारण मौत हो गई। वहीं 1 बुरी तरह से घायल था, जिसका इलाज करने के बाद हम लोगों ने मादा चीता को सौंप दिया। इस घटना के बाद से मैं चीता फैमिली के करीब चला गया। वे मुझसे प्यार से पेश आते थे। वे मेरे चेहरे को भी प्यार से चाटते थे। हालांकि शिकार के बाद मादा चीता के पास 5 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ही जिंदा रह पाए। धीरे धीरे ये बच्चे भी अपनी माँ की तरह एक अच्छे शिकारी बन गए। हमारा काम भी खत्म हो गया। इस दौरान मादा चीता दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। वाकई में ये लाजवाब था।